बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब वेरी अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसके चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है, आर्टिकल नंबर 3.4 है, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। इसको आज हमने डिस्कस करना है, पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के ईजी वर्डिंग में जिसमें एक्सरसाइज और एक्टिविटीज में मैंने सॉल्व की हुई है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आपके सामने। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल है क्या, मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद इसकी हम लेयर्स की तरफ आएंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जब भी हम मैसेज सेंड करते हैं इंटरनेट के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप से कर रहे हैं, मैसेंजर से कर रहे हैं, या किसी भी दूसरी मैसेंजर ऐप से कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, तो हम जब मैसेज सेंड करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब हम मैसेज सेंड करते हैं, सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा मैसेज जो है वो उधर पहुंच जाता है, दैट्स इट। ये सिर्फ इतना सा प्रोसेस नहीं है, ये जब हम मैसेज को सेंड करते हैं तो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचते हुए एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है, एक प्रोसीजर से गुजरता है, फिर जाके वहां पे पहुंचता है। मतलब एक ये प्रोसीजर है पूरा। देखिए, मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ा रहा था चैप्टर 1, तब भी मैंने आपको बताया था कि हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं ना, तो वो काम करने का एक प्रोसेस होता है, हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं फिर वो काम होता है। कोई भी काम, इवन के पानी भी पीना, तो उसको भी पीने के एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हम वो फॉलो करते हैं फिर पानी ही पीते हैं। इसी तरह से जब हम मैसेज सेंड करेंगे तो क्या वो ऐसे सेंड हो जाएगा, उसका भी तो कोई रूल होगा ना, उसका भी तो कोई प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल यही हमने पढ़ा था, सेट ऑफ रूल्स, कि किस तरह से मैसेज सेंड करना है। तो जब हम मैसेज सेंड करते हैं नेटवर्क के अंदर तो एक बड़ा अहम प्रोटोकॉल होता है जो हमारे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में वो होता है, जिसका नाम होता है TCP/IP प्रोटोकॉल। ये TCP/IP की फुल फॉर्म होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोसीजर को फॉलो करता है हमारा मैसेज सेंड करने के लिए। बेसिकली ये TCP/IP एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल बेसिकली इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप्स के अंदर वो होता है, ये एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, उस प्रोसीजर को मॉडल का नाम दिया, मॉडल, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस को फॉलो करता है TCP/IP। तो वो जो प्रोसेस है वो अभी आज हमने डिस्कस करना है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, और इसको TCP/IP मॉडल भी कहते हैं। ये याद रखना, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल को TCP/IP मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये TCP/IP का मॉडल है, TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रोसीजर है जिसको ये फॉलो करता है और मैसेज को आगे सेंड करता है। अच्छा, अब TCP/IP किस मॉडल को फॉलो करता है, कैसे मैसेज सेंड करता है, वो पढ़ाने से पहले मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आगे चल के बुक में उसने रिलेट किया हुआ है रियल लाइफ की एग्जांपल को और मैसेज जो हम सेंड करते हैं उसको। तो पहले मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊं ना आपको कि रियल लाइफ में होता किस तरह से, पहले वो समझिएगा, ध्यान से देखना, एक भी चीज मिस हुई तो आगे समझ नहीं आनी, ठीक है, ये समझिएगा ध्यान से। देखिए, जब हम कोई पोस्ट भेजते हैं किसी को, कोई लेटर भेजते हैं, कोई पोस्ट, या फॉर एग्जांपल जब नोट्स का ऑर्डर आता है मुझे, तो जो लोग नोट्स मंगवाते हैं हार्ड कॉपी में प्रिंटेड, वो कहते हैं कि हमें होम डिलीवरी कर दें नोट्स की। तो ये किस तरह से, ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है, ये जरा समझें। मैं क्या करता हूँ, नोट्स को एनवेलप में डालता हूँ, ठीक है, एनवेलप के ऊपर अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और रिसीवर जिसको भेजना है उसका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख कर अपने करीबी जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो मेरे इलाके का पोस्ट ऑफिस है, वहां पे मैं उनको दे देता हूँ, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि यार ये जो पार्सल जाना है ये शहर से बाहर जाना है, अगर तो शहर के अंदर ही है तो वो जिस इलाके में भेजना है उस इलाके के पोस्ट ऑफिस में भेज देंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर शहर से बाहर जाना है तो वो क्या करेंगे, हर शहर का अपना एक मेन पोस्ट ऑफिस होता है जिसे कहते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GPO, ठीक है, जैसे लाहौर में माल रोड के ऊपर GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस, तो मेन जनरल पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे दूसरे शहरों से पोस्ट आती है, यहाँ से दूसरे शहर में जाती है, वो मेन बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है। तो फर्ज करें कि ये लाहौर शहर है, ये मुख्तलिफ इलाकों के पोस्ट ऑफिस मैंने यहाँ पे बनाए। मिसाल के तौर पर मैंने, मेरा घर यहाँ पे था तो मैंने यहाँ से पोस्ट भेज दी, पोस्ट जो पोस्ट थी एनवेलप में डालकर अपने पोस्ट ऑफिस को भेज दी। पोस्ट ऑफिस वालों ने देखा कि ये भाई इस्लामाबाद में जानी है, तो उन्होंने जो है वो GPO को आगे भेज दिया, उन्होंने आगे
जीपीओ को भेज दिया पार्सल। जीपीओ पे जो जो वर्कर बैठे थे उन्होंने देखा इस्लामाबाद जानी है, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ये पोस्ट जो है वो बाय एयर या बाय रोड, मतलब ट्रेन में या बस के जरिए से या बाय एयर जैसे भी, उन्होंने ये भेज दी आगे कहाँ पे, इस्लामाबाद के जीपीओ के पास। इस्लामाबाद का भी अपना जीपीओ होगा, जनरल पोस्ट ऑफिस, वहां पे भेज दिया। उन्होंने देखा कि ये किस इलाके का, इस हमारे इस इस्लामाबाद शहर में किस इलाके का ये पोस्ट है, तो उन्होंने देखा अच्छा इसका है, तो उन्होंने इसको भेज दिया इस पोस्ट ऑफिस को। तो इस पोस्ट ऑफिस वाले ने देखा कि यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय था पोस्ट ऑफिस वाले का, पोस्टमैन जिसे कहते हैं, उसने देखा कि मेरे इलाके के अंदर ये घर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने जो है वो पोस्ट आगे इस घर को पहुंचा दिया। तो रिसीवर तक हमारा पार्सल जो है वो पहुंच गया, जो मैंने यहाँ से भेजा था और यहाँ पे उसको पहुंच गया। ये एक प्रोसीजर फॉलो होता है जब भी हम एक पोस्टल सिस्टम की बात की है मैंने, जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है, ये पोस्टल सिस्टम होता है। अच्छा अब ये समझ आ गई, अब इसको हम रिलेट करते हैं TCP/IP के मॉडल से, कि TCP/IP जो है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल यानी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल जो है, ये किस तरह से मैसेज को सेंड करता है। तो ये भी ऐसे ही करता है, ये भी ऐसे ही करता है। हम इसको रिलेट करेंगे तो बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। अगर इसकी समझ आ गई समझ ले, अब आपको समझ आ गई काम होता। अब ये समझिएगा, देखें ये जो मैंने पोस्ट भेजी है ये स्टेप्स से होकर गुजरी है, ऐसे ही है ना। पहला स्टेप क्या था कि मैंने एनवेलप के अंदर डाला, उस पे एड्रेस वगैरह मेंशन किया। दूसरा स्टेप क्या था, मैंने अपने प्रीवी पोस्ट ऑफिस में दे दिया। तीसरा स्टेप क्या था, यहाँ से जीपीओ के पास चला गया। चौथा स्टेप क्या था, जीपीओ से जीपीओ के पास चला गया। पांचवा स्टेप क्या था कि जीपीओ ने करीबी उस इलाके के पोस्ट ऑफिस पे भेज दिया, ठीक है। और छठा स्टेप क्या था कि यहाँ से फिर आगे रिसीवर तक पहुंच गया। स्टेप बाय स्टेप हुआ ना काम, डायरेक्ट तो नहीं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट तो नहीं गया, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से जब TCP/IP मैसेज को भेजता है तो वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, उस हर स्टेप के ऊपर TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब खुद एक बड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं एक पर्सन हूँ तो मैंने जो पार्सल भेजना है तो यहाँ से यहाँ पार्सल, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, यहाँ से भेजने के दरमियान में भी कई लोग इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से TCP/IP एक बड़ा प्रोटोकॉल है, इसके अंदर छोटे छोटे प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वो हर प्रोटोकॉल अपनी जगह पे अपने स्टेप पे कोई ना कोई काम कर रहा है। तो ये स्टेप्स हैं एक्चुअली जिनको उसने लेयर्स का नाम दिया हुआ है। यानी TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो पहला काम क्या करता है, पहला स्टेप क्या परफॉर्म करता है, उसको नाम उसने दिया एप्लीकेशन लेयर का। दूसरे स्टेप पे वो ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम दिया। तीसरे स्टेप पे नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। मतलब ये स्टेप्स हैं एक्चुअली, ये लेयर्स क्या हैं, एक्चुअली स्टेप्स हैं कि इस स्टेप पे क्या होना है, इस स्टेप पे क्या होना है, इस पे क्या होना है, इस पे क्या होना है, इस पे क्या होना है। कर ये TCP/IP ही रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रोटोकॉल वो कर रहे हैं, यानी TCP/IP के अंदर ही तो इसका मतलब TCP/IP कर रहा है, लेकिन ये स्टेप्स हैं, ठीक है। इन स्टेप्स पर, इन स्टेप्स को नाम दिया गया सिर्फ लेयर्स का, ठीक है, और लेयर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेप्स हैं, ठीक है। वैसे सात होती हैं लेकिन नाइन्थ क्लास की बुक में जो है पांच है, तो मैं चूंकि नाइन्थ क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं नाइन्थ की बुक के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ, तो पांच मैंने लिखी, ठीक है। अच्छा अब TCP/IP कैसे काम करता है, TCP/IP का पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, दोनों सेम है। हमारा दूसरा स्टेप और TCP/IP का दूसरा स्टेप दोनों सेम है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जो काम कर रहा है, हमारा जो पोस्टल सिस्टम जो भी मैंने समझाया बिल्कुल सेम है हर स्टेप के ऊपर। इसको अब जरा आपने समझना है। मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, पहले स्टेप में मैंने क्या किया था, मैंने जो नोट्स थे जो मैंने पार्सल भेजना है, नोट्स एक्चुअली मेरा मैसेज है ना जो मैं भेज रहा हूँ, या अगर मैंने लेटर भेजता तो मैंने लेटर डालना था एनवेलप के अंदर। एनवेलप के ऊपर मैंने एड्रेस लिखा जिसको मैंने भेजना है उसका, ठीक है। तो ये मेरा पहला काम था। मैं इसके बारे में परेशान नहीं हुआ, ये मैंने इसके बारे में नहीं सोचा कि वो कौन लोग हैं जो मेरे पार्सल को यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, मैंने इसके बारे में बोधर नहीं किया। इसी तरह से जब हम मैसेज लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मैसेज टाइप करते हैं और जिसको हमने भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं। तो हम इस बारे में नहीं सोचते कि जो हमारा मैसेज जाना है वो वायर के थ्रू जाना है या वायरलेसली जाना है, कौन कौन सी जगहों से हमारे सिग्नल्स होकर गुजरेंगे, हम इसके बारे में बोधर नहीं करते। हम मैसेज लिखते हैं और सेंड के बटन पे टैप कर देते हैं, या अगर कंप्यूटर में है तो क्लिक कर देते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहला जो काम TCP/IP के अंदर जो पहला काम होता है, यानी एप्लीकेशन लेयर का, एप्लीकेशन लेयर क्या करती है कि हमारे मैसेज को और जो हमने एड्रेस लिखा उसको आपस में कंबाइन कर देती है। आपको याद हो
पीछे भी पढ़ाया था कि जब हम मैसेज लिखते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसका हेडर होता है और एक पेलोड होता है। ठीक है, ये इसका हेडर होता है। हेडर के अंदर क्या होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है और नीचे हमारा एक्चुअल मैसेज होता है। तो एक्चुअल मैसेज और हेडर इन दोनों को कंबाइन कर देती है कौन, एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर का काम हो गया। ओके ठीक है जी, एप्लीकेशन लेयर ने काम कर दिया। हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, जब हम एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एड्रेस लिख के आगे पोस्ट ऑफिस में दे आते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैसेज में हम सेंड कर देते हैं। अगर एड्रेस गलत मैंने लिख दिया, गलती से गाना आस्था, अगर मैंने एड्रेस ही गलत लिख दिया तो पोस्ट ऑफिस वाले मुझे वापस भेज देंगे मैसेज, क्योंकि मैंने भी अपना लिख के भेजा ना एड्रेस सेंडर का, तो वो वापस मेरे एड्रेस पे भेज देंगे, आपका एड्रेस गलत था, एड्रेस सही करें, हमें ये एड्रेस मिल ही नहीं रहा। इसी तरह से अगर एड्रेस गलत लिख दिया या मैसेज मुकम्मल नहीं है या एड्रेस मुकम्मल नहीं है, गलती है कोई हमारे मैसेज के अंदर, हमने मैसेज टाइप किया मोबाइल पे या लैपटॉप या सिस्टम पे, मैसेज के अंदर कोई गलती आ गई, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर दूसरे स्टेप में, ट्रांसपोर्ट लेयर दूसरी लेयर जो है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर वाले स्टेप पे हमारा मैसेज हमें वापस आ जाएगा और एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। एक ये काम होगा। दूसरा काम ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, देखें जब मैंने पोस्ट लिखी थी ना, मतलब इनवेलप के ऊपर, जब पोस्ट में भेज रहा था इनवेलप के ऊपर, मैंने रिसीवर का एड्रेस लिखा था, फोन नंबर लिखा था, मैंने रिसीवर का नाम भी लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि जिस एड्रेस पे मैं भेज रहा हूँ वो कोई घर है और उस घर में कितने फराद रह रहे हैं, लेकिन किसके नाम पे पार्सल भेज रहे, किस बंदे को पहुंचे, उस घर में अगर 20 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं, तो भेजना तो मैंने एक उसका मैंने नाम लिखा। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर भी ये काम करती है कि जिस जगह पे पहुंच रहा है रिसीवर, मोबाइल पे पहुंच रहा है, रिसीवर के कंप्यूटर में पहुंच रहा है, उस मोबाइल के अंदर कितनी सारी एप्लीकेशंस है मैसेज रिसीव करने वाली, व्हाट्सएप होगा उसके अंदर, मैसेंजर होगा उसके अंदर, स्नैपचैट होगा उसके अंदर, इंस्टाग्राम होगा उसके अंदर, फेसबुक होगी उसके अंदर, बहुत सारी एप्लीकेशन, लेकिन वो मैसेज किस एप्लीकेशन का है ये बताना जरूरी है। वो मोबाइल में तो पहुंच जाएगा लेकिन किस एप्लीकेशन के थ्रू वो मैसेज दिखाना है, इसके लिए हम लोग तो नाम लिखते हैं, लेकिन TCP/IP के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करती है कि इसके अंदर पोर्ट नंबर ऐड कर दिया जाता है। पोर्ट नंबर क्या है, ये हर एप्लीकेशन का अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है, स्पेशल नंबर होता है जो कि हमारे मैसेज के साथ जाता है। मैंने अपने मोबाइल से फॉर एग्जाम्पल मैसेज सेंड किया व्हाट्सएप के थ्रू, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, मेरे व्हाट्सएप का जो पोर्ट नंबर है वो मैसेज के साथ ऐड कर दिया, ताकि जब रिसीवर मोबाइल पे पहुंचे तो उस मोबाइल को पता हो कि किस एप्लीकेशन का मैसेज आएगी, उस पोर्ट नंबर से अंदाजा वो करेगी, जो उस पोर्ट नंबर से वो मोबाइल अंदाजा करेगा कि ये मैसेज व्हाट्सएप का है, तो फिर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा और व्हाट्सएप की एप्लीकेशन के अंदर वो मैसेज डिस्प्ले होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैसेज व्हाट्सएप से भेजा तो इंस्टाग्राम में शो हो रहा हो, ऐसा हुआ तो नहीं ना कभी, क्योंकि पोर्ट नंबर यहाँ से जाता तो उसको पता होता है कि किस एप्लीकेशन का, और अगर वो एप्लीकेशन उसके मोबाइल में नहीं है तो उसे मैसेज भी नहीं पहुंचता। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये वाला काम होता है। अच्छा, अगला काम क्या है, नेटवर्क लेयर का। हमारे यहाँ से GPU ने हमारे शहर से दूसरे शहर के GPU में पोस्ट भेज दी, तो नेटवर्क लेयर पे भी यही होता है, नेटवर्क लेयर पे भी यही होता है। क्या होता है नेटवर्क लेयर पे, यहाँ पे क्या होना है, नेटवर्क लेयर पे हमारे प्रोटोकॉल ने यानी इस लेयर ने हमारे नेटवर्क से मैसेज को निकाल के रिसीवर के नेटवर्क में भेज देना। फॉर एग्जाम्पल मैं वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहा हूँ और वो यूज कर रहा है मोबाइल डाटा, तो मेरे वाईफाई नेटवर्क से मैसेज निकल के मोबाइल डाटा वाले नेटवर्क पे पहुंच जाएगा, ताकि वो आगे उसको डिलीवर हो सके। तो एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में मैसेज चला गया, ये किस लेयर पे काम हुआ, किस लेयर ने ये काम किया, TCP/IP के अंदर ये हो रहे हैं काम, नेटवर्क लेयर ने काम किया। और मैसेज चाहे जैसा मर्जी हो, वो कोई टेक्स्ट मैसेज है, वो कोई फाइल है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, या वॉइस नोट भेजा है व्हाट्सएप पे, जैसा भी है, सब इसी तरीके से आगे जाते हैं। ठीक है, जैसे इनवेलप के अंदर मैंने चाहे नोट्स डाले हों, चाहे मैंने उसके अंदर कोई बुक ऐड डाली हो उसके अंदर इनवेलप के अंदर, या उसके अंदर कोई लेटर डाला हो, जाना तो इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, मैसेज जो सा मर्जी भेजा वो इसी तरीके से आगे जाता है जो हम पढ़ रहे हैं। नेटवर्क लेयर हो गई, जब नेटवर्क लेयर अपना काम कर लेती है उसके बाद डेटा लिंक लेयर अपना काम करती है। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा लिंक लेयर क्लाइंट का सर्वर के साथ कनेक्शन कायम करती है, क्लाइंट का
सर्वर के साथ कनेक्शन कायम करती है। क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन क्या है, देखें, जब मैं मैसेज भेजता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, ये सेंडर है जो मैसेज भेज रहा है और ये रिसीवर है जो मैसेज रिसीव कर रहा है। तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं तो दरमियान में व्हाट्सएप का सर्वर है जिनके पास सारा हमारा डाटा होता है। व्हाट्सएप से हमारे मैसेज होके जाते हैं, ये याद रखें, फेसबुक से भी जिस भी एप्लीकेशन से भेज रहे हैं, मैसेज पहले उनके पास जाता है फिर आगे जाता है। तो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। तो यहाँ से मैसेज इस सर्वर तक जो कनेक्शन कायम होना है वो किसने करना है, डेटा लिंक लेयर ने करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन कायम डेटा, जैसे यहाँ पे जीपीओ ने करीबी जो इलाके का पोस्ट ऑफिस था वहां भेज दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो इलाके का पोस्ट ऑफिस था उसने जीपीओ में भेज दिया। तो ये काम डेटा लिंक लेयर का होता है। ठीक हो गया, जब ये काम हो गया तो आगे फिजिकल लेयर है। हमारे पोस्टल सिस्टम में क्या होता है, अब यहां से पोस्ट ऑफिस से जो पोस्टमैन है वो या तो बाइक पे या वैन पे या कार पे या अगर करीब है तो पैदल, जैसे भी किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, किसी सवारी के थ्रू उस घर तक पहुंचेगा और उनको डिलीवर करेगा। इसी तरह से हमारा मैसेज जब मोबाइल से निकलना है तो या तो वो तार के ऊपर से सेंड होना है या फिर वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होके आगे जाना है। अब मैंने मैसेज लिखा था हेलो, तो हमें ऐसे हेलो तो नहीं जाता हुआ नजर आता हुआ, इसका मतलब है कि हमारा मैसेज कन्वर्ट होता है सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, तो वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमारा मैसेज, और ये जो कन्वर्जन वाला काम है, सिग्नल्स में जो कन्वर्ट करने वाला काम है, ये कौन कर रहा है, फिजिकल लेयर। लास्ट पे फिजिकल लेयर ने मैसेज को कन्वर्ट कर दिया सिग्नल्स में, अब हमारे मोबाइल से मैसेज निकल गया और आगे जाके फिर रिसीवर तक पहुंच गया। ये काम TCP/IP मॉडल करता है इन लेयर्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इस तरह से पूछ सकता है। इसके अलावा ये भी MCQ आ सकता है कि व्हाट इज मीन बाय पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर का फिर MCQ भी आ सकता है कि पोर्ट नंबर कौन सी लेयर में वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। इनकी तरतीब खराब नहीं करनी, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, जब ये सवाल है तरतीब ही नहीं लिखनी। उम्मीद है कि इस पूरे सिनेरियो की समझ आई होगी। अगर कोई चीज समझ ना आए, मैंने पहले कहा था कंसंट्रेशन होना चाहिए, कोई चीज समझ ना, लेक्चर को दोबारा से सुने, इंशाल्लाह हर चीज क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी 9th के जितने भी लेक्चर हैं एक तरतीब में, उनकी जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, उसको वहां से चेक कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा फिर भी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल।